हम मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि किसी विचित्र वस्तु अथवा स्थान के बारे में सुनने पर हमारे अंदर उससे संबंधित बातें जानने या उस स्थान को देखने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। कहीं घूमने जाने पर भी हम उस स्थान के बारे में खास बात तलाशने लगते हैं। सामान्यतः विश्व में कई जगह तो इसलिए ही लोकप्रिय हैं क्योंकि उनसे जुड़ी कोई ना कोई बात आश्चर्य में डाल देती है। दुनिया में कई रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें देखकर या सुनकर हमें यकीन नहीं होता। कुछ रहस्यमयी चीजें तो ऐसी होती हैं जो विज्ञान और प्रकृति के बिल्कुल विपरीत होने के बाद भी अपना अस्तित्व रखती हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें घूमने फिरने के साथ ही अजीबोगरीब चीजें खोजने का शौक है, तो आज हम आपको एक ऐसे पत्थर की जानकारी देने जा रहे हैं जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी मात दे दी। यह विराट पत्थर देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे अभी नीचे लुढ़क जाएगा, परंतु आज तक इस पत्थर को कोई हिला भी नहीं पाया है। आपको यह जानकर अटपटा जरूर लग सकता है, परंतु यही सत्य है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के चेन्नई के एक कस्बे महाबलीपुरम में 1200 वर्ष प्राचीन एक पत्थर लोगों अपनी विशेषता के कारण लोगों को यहां आने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यह पाषाण बड़े ही विचित्र तरीके से एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर यहां टिका हुआ है। इसे अगर कोई भी देखता है तो उसे यही भ्रम होता है कि यह बस गिरने ही वाला है। हालांकि यह सिर्फ भ्रम ही है। इस बहुत भारी एवं विशालकाय पाषाण की चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। कहा जाता है कि वर्ष 1908 में उस वक्त के मद्रास के गवर्नर आर्थर की नजर इस पत्थर पर पड़ी तो मुझे लगा कि कहीं यह विशाल पत्थर किसी दुर्घटना का कारण न बन जाए। इस वजह से उन्होंने इस पत्थर को वहां से हटवाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया। फिर भी यह पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। लोगों की मान्यता के अनुसार इस पत्थर से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि कुछ लोग इस पत्थर को कृष्णा की बटर बॉल भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह पत्थर मक्खन की गेंद है जो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मक्खन का प्रतीक है तथा स्वयं स्वर्ग से गिरा है। कृष्णा बटर बॉल प्रकृति की भूगर्भीय शक्तियों का एक अद्भुत उदाहरण है। यह चट्टान गनीस नामक ग्रेनाइट के एक प्रकार से बनी है और इसे इसकी स्थायित्व और क्षरण के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। इस संरचना को जो बात उल्लेखनीय बनाती है वह है इसका असंभव प्रतीत होने वाला संतुलन जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चट्टान की अनूठी स्थिति इसके आकार, पहाड़ी की ढलान और चट्टान और जमीन के बीच प्राकृतिक घर्षण के कारण है। विचाराधीन संरचना मामल्लापुरम में स्थित स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पल्लव राजवंश ने 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान हिंदू धार्मिक संरचनाओं के रूप में इन स्मारकों का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त इस विशेष संरचना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है। इस चट्टान की स्थिरता का श्रेय भौतिकी में लीवर सिद्धांत नामक अवधारणा को दिया जा सकता है। चट्टान का गोलाकार आकार और पहाड़ी की ढलान एक धुरी बिंदु बनाती है जो इसके वजन को सहारा देती है, जिससे यह अपने विशाल आकार के बावजूद नीचे लुढ़कने से बच जाती है। हाथी मिलकर भी नहीं हिला पाए। इसे कुछ का मानना है कि यह पत्थर का प्राकृतिक प्रारूप है, लेकिन जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ ऐसे असामान्य आकार के पत्थर का निर्माण नहीं कर सकते। कुछ स्थानीय लोग इसको भगवान का चमत्कार मानते हैं। दक्षिण भारत में राज करने वाले पल्लव वंश के राजा ने इस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन अनेक प्रयत्नों के बावजूद उनके शक्तिशाली लोग इसको खिसकाने में भी सफल नहीं हुए। 1908 में मद्रास के गवर्नर आर्थर ने इसको हटाने का आदेश दिया, जिसके लिए 7 हाथियों को काम पर लगाया गया, लेकिन यह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कृष्णा बटरबॉल अब एक टूरिस्ट आकर्षण बन चुका है, जहां हजारों लोग हर साल इसको देखने आते हैं, जिनमें से कुछ इसको धकेलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाता। अगर रिपोर्ट्स की माने और हम 1908 तक वापस जाएं, तो मद्रास के गवर्नर आर्थर लॉली ने इसे इसके स्थान से हटाने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पहाड़ी के तल पर बसे शहर की सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उन्होंने 7 हाथियों को भेजा और चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। इसीलिए यह कहकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है
कि चाहे अलौकिक शक्तियां हों या सिर्फ विज्ञान, बटरबॉल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा है।